ओम शांति। मुरली का तारीख है 16/10/2020। मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाएंगे। प्रश्न, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, देह अभिमान की बीमारी। इसी देहाभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। या देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। सेकंड पॉइंट, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो। गीत, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी यह रावण की राजधानी है, तन भी पराया है, क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता, अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता। हमारा नाम बदलता नहीं, मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया, सत्युग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं गोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अब तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख मिलना है। नए युग में सत्युग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते, कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे या तो लाखों वर्ष की बात है, अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वहां जगदम्बा कौन है जानते नहीं। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शुबाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है, अम्बा भी एक है, परंतु जगत अम्बा को जानते नहीं। यहाँ है जगत अम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? यह बातें कभी कोई जान ना सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं, इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको यहाँ देखने में आएंगे। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनेंगे। ब्रह्मा को इतनी बुझाए देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी सब बच्चे हैं ना, माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सत्युग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है, जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे
तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताए बच्चे पैदा करते हैं, तो वहां हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शुबाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यहां भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक, नाम कितने रख दिए है, दुर्गा काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यहाँ रचना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी है बच्चे और बच्चिया, है सब एडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? यहाँ सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते हैं यह मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं। यह सब है एडॉप्शन। या फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको एडॉप्ट नहीं किया जाता। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। बच्चों आत्मा को नहीं एडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को एडॉप्ट करते हैं। यहाँ भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम यहाँ लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यहाँ हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यहाँ विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने या स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग है, देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्वगुण संपन्न पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे, इसमें निंदा की बात नहीं या समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की भी महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कॉन्ट्रास्ट तुम बता सकते हो। यहाँ जगत अम्बा की बायोग्राफी या लक्ष्मी की बायोग्राफी, वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। फिर लक्ष्मी सो 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहां से आई? वहां तो सतयुग में हुई है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकरर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए तब दिल पर चढ़े। जब बाप को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वहां दिल पर चढ़ते हैं, नहीं। बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लैटिनियम में वजन करते हैं,
क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते है ना, तो मेहनत का भी फल मिलता है। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब यहाँ पुरानी दुनिया गई की गई। इतने बॉम्ब्स बनाए रखने के लिए तोड़े ही बनाए। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यहाँ बॉम्ब्स काम में आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स है। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वरी डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा ऊंच पद है? ब्राह्मण चोटी है ऊपर में, चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। या नशा है हम सबको पावन बनाए, राज राजेश्वरी बना रहे है। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे, अपनी दिल से पूछो हम कितने को आप समान बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। या कोई शास्त्रों में नहीं है, या है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या मनुष्यों की बुद्धि में? फिर अर्जुन और कृष्ण ही है, यहाँ तो ढेर पड़ते हैं। बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अल्फ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो तुमको भी अल्फ बे पढ़ा रहे हैं। अल्फ और बे यहाँ है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनेंगे। कोई भी असुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कॉन्ट्रास्ट बताओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के लक्ष्मी नारायण है सत्युग के, या चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सत्युगी देवता भी मनुष्य ही है, परंतु उनको देवता कहते मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है। इसीलिए देवी देवता व भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसीलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सत्युग में इतने तोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य है, वहां कैसे समझाए? इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उसका श्रृंगार कितना बड़ा है। या अकाल मूरत का तख्त है ना, सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता, फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान का सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए।
माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती है। फिर लिखते हैं, ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मोह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है, फिर अगर कोई गिरते भी है तो उसमें बाप क्या कर सकते हैं? अगर कोई गिरेंगे तो भी फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं? घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मोह कर देता है, तो बाप कहते हैं, तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप बल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना, तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो हजार गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं, माया ने तप्पड़ मार दिया। माया ऐसा गुस्सा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं, आंखें बड़ी धोखेबाज है, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध का मैदान है ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट तप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझती। अब बाप समझदार बनाते हैं, बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रहे हैं। अब बाप कहते हैं, कोई भी विकार की बात इन कानों से ना सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। शरीरदारी को याद करना सिखलाते हैं, देहदारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं, मामेकम याद करो, या तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं, मामेकम याद करो, देहदारी को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहदारी ही है ना, मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो, तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, समझदार बन, माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती है, इसीलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। सेकेंड पॉइंट, अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पति पावनी बन, सबको पावन, राज राजेश्वरी बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान सभी को ठिकाना देने वाले, रहम दिल बाप के बच्चे, रहम दिल बवा, रहम दिल बाप के, रहम दिल बच्चे। किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उसके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो, अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, ताकि
उसे भी टिकाना मिल जाए। स्लोगन यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, जितना न्यारा उतना प्यारा। अच्छा, ओम शांति।